हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे श्रिंक फिटिंग क्या है, इसका सब बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखेंगे, इसके पीछे का टेक्निकल रीजंस देखेंगे और एक्चुअल में शॉप फ्लोर पर श्रिंक फिटिंग कैसे करते हैं उसका भी कुछ वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड श्रिंक फिटिंग के बारे में बेसिक्स देखेंगे कुछ। ठीक है, अब टिपिकली मेटल्स विल एक्सपैंड इन रिस्पॉन्स टू द हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट व्हेन इट इज कूलिंग। ओके, मतलब हम अगर किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, और उसी को हम अगर उसका हीट निकाल कर उसको कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। दिस डायमेंशनल रिस्पॉन्स ऑफ द टेम्परेचर चेंज इज नोन एज द थर्मल एक्सपेंशन। इस प्रॉपर्टी को थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अ मेटल कॉम्पोनेंट इज हीटेड टू बिटवीन 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड विच कॉजेज टू एक्सपांड एंड अलाउ फॉर द इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एन अदर प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी फीमेल पार्ट मेटल के उसको अगर 150 डिग्री से 300 डिग्री तक का टेम्परेचर हीट करेंगे तो वो अनदर मेल पार्ट को अलाउ करता है उसमें जाने के लिए, इंसर्ट होने के लिए या फिर इससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, मींस अगर किसी असेंबल कंडीशन में अगर कोई शाफ्ट है और इसको हमको इसको निकालना है बाहर इस असेंबली से, अगर ये श्रिंक फिटेड है पहले से तो इसको बाहर वाले पार्ट को हिट करेंगे तो ये एक्सपांड होगा। ठीक है, आउटर साइड में, और एक्सपांड होने के बाद इसको हम शाफ्ट को इजीली बाहर निकल सकते हैं। ओके, व्हेन द एडजॉइंट पार्ट्स रिटर्न्स टू एम्बिएंट टेम्परेचर द जॉइंट्स बिकम द स्ट्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग फिटेड। ठीक है, अभी ये फीमेल पार्ट है समझो, इसमें हमको एक शाफ्ट को इंसर्ट करना है। ये हमारा शाफ्ट है, ये शाफ्ट का जितना आउटर डायमीटर है उतना ही ये कपलिंग का इनर डायमीटर है। ठीक है, तो ये इजीली तो आइंस में इंसर्ट नहीं हो सकता, तो इसको क्या करते हैं, ये कपलिंग को हिट करते हैं बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और बाद में इस शाफ्ट को इंसर्ट कर देते हैं और उसको एटमोस्फेरिक कूलिंग में छोड़ देते हैं। एटमॉस्फेरिक कूलिंग के बाद ये जब एम्बिएंट टेम्परेचर गेन करेगा तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा और इसी को बोलते हैं श्रिंक फिटिंग। मेटल को हीट करने के मेथड्स दिए अलग अलग। अभी श्रिंक फिटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हीट करना या फिर कूल करना। ठीक है, तो हीटिंग और कूलिंग के मेथड्स है, ये है कोल्ड फिटिंग, मतलब जो हीटिंग के लिए फ्यूल यूज़ होता है वो कोल यूज़ होता है, कोल को बर्न किया जाता है और बाद में मेटल को हीट किया जाता है। उसके बाद ये ऑयल फायर्ड फिटिंग, ऑयल को फायर्ड किया जाता है और मेटल को हीट किया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट वन और वेरी फेमिलियर एंड वेरी पॉपुलर प्रोसेस इज द इंडक्शन श्रिंक फिटिंग। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे हम इंडक्शन में कैसे इंडक्शन कॉइल का यूज़ करके मेटल को हीट किया जाता है। ठीक है, इंडक्शन श्रिंक फिटिंग, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में यही प्रोसेस यूज होता है मेटल को हीट करने के लिए। देखिए, इन इंडक्शन श्रिंक फिटिंग देयर इज अ कॉइल वुंड अराउंड द जॉब। ठीक है, फॉर द हीटिंग और कूलिंग पर्पस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन वी कैन इजीली प्रोड्यूस एन हीट टू रेज द जॉब टेम्परेचर। ओके, द जॉब टेम्परेचर इन दिस मेथड इज वेरीज फ्रॉम द 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर द अटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द मेल पार्ट इज इंसर्टेड इन टू द फीमेल पार्ट एंड वाइस वर्सा। ड्यू टू द हीट बींग जनरेटेड विद इन द कॉम्पोनेंट यू ओनली हीट द पार्ट यू वॉन्ट टू हीट, नॉट द एटमोसफेयर अराउंड इट। ओके, मतलब ये इसका बेनिफिट्स बताया है कि एटमोसफेयर को हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली जो पार्ट को इंसर्ट करना है उसी को हम डायरेक्टली हीट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि कन्वेंशनल मेथड में अटेन नहीं होता है। अभी इसका डायग्रामेटिकली पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे
आगे वाले स्लाइड में, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंडक्शन कॉइल, अभी जो थ्योरी पढ़ा हमने उसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंडक्शन कॉइल का वर्किंग कैसे होता है। अभी ये ब्लू कलर में दिखाया हमारा वर्क पीस है, ठीक है, वर्क पीस, और ये जो कलर में दिखाया है ये है हमारी इंडक्शन कॉइल, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल तो पता होगा कि अगर किसी भी चीज़ में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जॉब के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इतना हद तक जनरेट करता है कि वो जॉब को हिट करने लगता है, ठीक है। और ये हीट उस जॉब का टेम्परेचर बढ़ाता है 150 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। इंडक्शन कॉइल का वर्किंग दिया है यहाँ पर, द वर्क कॉइल इज यूज टू ट्रांसफर द एनर्जी टू द वर्क पीस यूजिंग एन इलेक्ट्रो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये यूज़ होता है वर्कपीस को हिट करने के लिए। अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वही बताया, ठीक है, विच इज़ अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। करंट जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है कॉइल से उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है। द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस प्रोड्यूसेस द हीट इन टू द वर्क पीस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है तो वो वर्क पीस में हीट प्रोड्यूस करता है और वो हमारा टेम्परेचर अटेंड करता है, ठीक है। यही बेसिक फंक्शन है इंडक्शन कॉइल का। एडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन हीटिंग दिया है, इंडक्शन हीटिंग का एडवांटेजेस कौन से है वो दिया है, मतलब अगर हम इंडक्शन हीटिंग करते हैं, और अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि हीटिंग के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, और भी मतलब अलग अलग तरीके से हम हीट कर सकते हैं जॉब को, लेकिन इंडक्शन हीटिंग ही क्यों, उसके एडवांटेजेस दिए हैं देखिए, एज वेल एज रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ओवेलिटी। अगर आपका सिलेंड्रिकल जॉब है और आपने इसको इंडक्शन हीटिंग से हीट किया तो इसमें ओवेलिटी आने के चांसेस नहीं के बराबर है, ठीक है। और अगर इसी को हम कन्वेंशनल हीटिंग से करते हैं तो ओवेलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपरली हीट सर्कुलेट नहीं होता है जॉब में, इसलिए, ठीक है। एडिशनल सिंस इंडक्शन प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म कंसिस्टेंस हीट, हीट कंसिस्टेंसली फॉर्म करता है इंडक्शन में। टेम्परेचर कंट्रोल इज एक्यूरेट विद प्रिसाइज कंट्रोल, इसमें मतलब टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जा सकता है जो कि कन्वेंशनल मेथड में नहीं पॉसिबल होता है। अनलाइक ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स इंडक्शन इन्वॉल्व्स नो नेक्ड फ्लेम्स, ऐसे कन्वेंशनल हीटिंग में फ्लेम जो होता है वो नेक्ड होता है, मतलब ओपन टू एटमोसफियर होता है, जो कि इंडक्शन हीटिंग में नहीं होता है, इसीलिए हीट लॉसेज भी बहुत सारे मिनिमाइज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। A wide varieties of industries and applications are benefits from the induction string fitting, a short heating cycle and the better metallurgical result. Okay. Yeah.
चालू करे रखने जाएगा।